चिड़िया बैठी है, आपस में बातें कर रही है। एक कहती है, अरे ये सोने का रथ किसका है? दूसरे ने कहा, तुझे याद नहीं, वो अक्रूर इसी रथ में तो आया था, ये मथुरा का रथ है। अब भगवान मथुरा में है तो उद्धव जी भी उसी रथ में आए हैं, रथ ये मथुरा का था, अक्रूर जी भी इसी रथ में आए थे। तो उन्होंने कहा कि तुझे याद नहीं, वो अक्रूर इसी रथ में तो आया था कृष्ण को ले जाने, अब क्या लेने आया है? बोले वो कंस का श्राद्ध है ना, तो मांस लेने आया होगा, श्राद्ध में मांस कौन परोसता है? अरे दैत्यों के श्राद्ध में मांस ही परोसा जाता है। तो बोले वो भी यहां कहां मिलेगा, हम तो दूध दही माखन का काम करते हैं। बोले मथुरावासी बड़े चालाक है, उनको पता है कि जब से कृष्ण गया है वृंदावन में सब मृत घूम रहे हैं, सब मरे हुए हैं, और इन्होंने तो अपने स्वाद का भी ध्यान रखा है, क्योंकि जो प्रेमी होते हैं उनका हृदय बड़ा मीठा होता है। दूसरी गोपी ने कहा, तो तुम्हारा हृदय मांगेंगे तो तुम दे दोगी? वो कहे, क्यों नहीं, अरे मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा, वो दूर से देखकर पहचान जाएगा ये किस गोपी का हृदय है, हम उसे नहीं मिल सकते, हमारे हृदय देख ले हमें कितनी पीड़ा हो रही है। ऐसे भाव एक बार मीराबाई के थे। मीराबाई पेड़ के नीचे बैठी है, भजन गा रही, भगवान को बुला रही है। भगवान ने उस दिन परीक्षा ली, नहीं आ रहे, वो गाए जाए रोए जाए, गाए जाए रोए जाए, भगवान नहीं आ रहे। उस पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा है, बहुत आवाज कर रहा है बार बार, वो इतनी दुखी हो गई कि अंत में वो कौवे से बात कर रही है, और क्या बात कर रही है सुनिए। वो कहती है कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा। तुझे भूख लग रही है इसलिए आवाज कर रहा है ना, कलेजा निकाल के देती हूँ खाने के लिए, पर एक शर्त है, यहां नहीं खाना। कहा खाना? कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा, और जाते सामारो पिया बसे वो देखे तू खा, कि जाते सामारो पिया बसे वो देखे, वो देखना चाहिए उसको, देखकर खाना, उसको समझ आए पीड़ा क्या होती है, उसको मजाक लग रहा है ये सब। ऐसे भाव है। तो यहां पर गोपियां भी यही बातें कर रही है। इतने में उद्धव जी आते हैं, देखकर पहचान जाती है कि भेजा तो कृष्ण ने है, बैठाती है, बैठो। अब वो कहे, आपको कृष्ण ने भेजा है? बोले हाँ। वहीं बैठ जाए, जो आए हैं वहीं बैठ जाओ थोड़ी देर। तो बोले आपको कृष्ण ने भेजा है? बोले हाँ। तो बोले ये जेवर उसी ने दिए हैं, ये कुंडल, ये मुकुट, ये पीतांबर। बोले तुम्हें कैसे पता? बोले सुगंध कैसे भूल सकते, लेकिन क्यों पहनाया? अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं कि राजा बन गए हैं, गुस्सा भी तो है इनके अंदर, क्योंकि इतना सोना तो यहां पहनने का कोई मतलब नहीं था ना, यहां कोई इतना नहीं पहनता था, और इतने और वहां तो भगवान ऊपर से लेके सोने से लदे हुए थे, तो भगवान ने वही दिए हैं वस्त्र अपने। तो वो कहे कि इतना सोना दिखा रहे हैं कि राजा बन गए हैं। उद्धव जी ने कहा, संदेश भेजा है भाई तुम्हारे लिए। क्या संदेश भेजा है? बोले ये रोना धोना छोड़ो, ज्ञान मार्ग पर चलो, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, अपना मन ज्ञान मार्ग पर लगाओ,
गोपियां कहती आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आपसे एक सवाल करते हैं उद्धव जी, बताइए। बोले क्या? मन कितने होते हैं बताओ, मन कितने होते हैं? एक। उद्धव जी ने भी कहा एक। बोले वो तो कब का कृष्ण को दे दिया, अब वो वापस कर दे तो ज्ञान पर भी लगा दे, पर ज्ञान पर लगाने के लिए मन पास होना भी तो चाहिए। और चलो मान लिया कि हम ज्ञान मार्ग पर मन लगा दे, हमें वापसी भी तो पता हो कि हमारा फायदा क्या होगा। उद्धव जी कहे कल्याण होगा, स्वर्ग मिलेगा। यहां मैंने दो दिन पहले आपसे पूछा था यहां कितनों को स्वर्ग जाना है, सबने हाथ उठाया था, तो गोपियों से भी कहा कि स्वर्ग मिलेगा। गोपियां कहती है ठोकर मारते ऐसे स्वर्ग को हम, अगर कृष्ण प्रेम से दूर रहने पर हमें स्वर्ग मिलेगा तो ठोकर मारते ऐसे स्वर्ग को, और अगर कृष्ण प्रेम में रहने से हमें नरक मिलेगा, हम जन्मों जन्मों तक नरक में रहने को तैयार हैं। अरे गोपियां कहे इतनी मुश्किल से तो हमने उसमें प्रेम रस भरा था, आप उसे फिर से रूखा सूखा बनाने पर तुले हुए हैं। उद्धव जी कहे अभी कह रही थी कि राजा है ऐश्वर्य दिखा रहे और अब उसके लिए नरक जाने को तैयार हो, उसी की बातें कर रही हो। गोपियां कहे यही तो प्रेम है, आपने प्रेम समझा ही तो नहीं। गोपियां कहती है प्रेम क्या है, कार्य को छोड़ो जा सके, कार्य की कथा ना छोड़ी जाए। वो पास नहीं है ये तो सहन कर सकते हैं, पर उसकी बात ना करे ये सहन नहीं कर सकते। अरे उस पर तो जिंदा है, बातें बंद हो गई तो कब के मर जाते हम। और गोपियां कहे हमें पता है आपको हमारी बात समझ नहीं आ रही ना, पागल लग रहे हैं ना, सबको लगते हैं, कोई बात नहीं, हमको आपको समझाना भी नहीं, हमारी बात या तो हम जानते हैं या तो कृष्ण जानते हैं।